अगर आप मेरे चैनल पे एक रेगुलर व्यूअर हो, आपको पता होगा मैं लाइटिंग पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और स्पेशली जब हम वीडियो प्रोडक्शन की बात करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसी लाइट शेयर करने वाला हूँ जो एक बजट लाइट सोर्स है, बिकॉज जब हम अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं, चाहे आप गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो, या इवन वेब कास्टिंग के लिए, हमारा कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हम जो लाइट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बजट में रहे। सो वो चीज़ ध्यान रखते हुए जो मैं आज 4 लाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दीज आर बाई कोडॉक्स ने मुझे लाइट्स भेजी हैं टू टेस्ट देम आउट, और अगर मेरा जो एक्सपीरियंस होगा ऑनेस्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। एंड लेट मी टेल यू, इन 4 में से 2 ऐसी लाइट्स हैं जो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब प्रोडक्शन में यूज करता हूं, जो आप रेगुलरली मेरे चैनल पे देखते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और एक एक करके मैं आपको ये वीडियो लाइट्स इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सो द फर्स्ट लाइट ओवर हियर इज गोडॉक्स CL10। जो आप ये लाइट देख रहे हो, ये बेसिकली एक ब्रॉडकास्टिंग लाइट है, एंड आई थिंक जितना मैंने इसको यूज करा है, मुझे लगता है अगर आप एक यूट्यूब स्ट्रीमर हो या आप रेगुलरली यूट्यूब वीडियोज भी बनाते हो जहां पे आपको एक सिंगल लाइट सोर्स इज गुड इनफ, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है। कैसे? सबसे पहली चीज, आपको एक डेडिकेटेड रिमोट कंट्रोल इसके साथ मिलता है, और ये जो लाइट है ये USB-C टाइप पावर्ड है, तो आप PC से पावर कर सकते हो, डेडिकेटेड अगर एक चार्जर है, जैसे अभी मैंने इसको पावर किया हुआ है। अब गोडॉक्स CL10 के कंट्रोल्स बहुत सिंपल है, यहाँ पे रिमोट में ऑन का बटन दिया हुआ है, मैं जैसे ही ऑन प्रेस करूंगा मेरी लाइट सोर्स ऑन हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं बाकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, सो दैट आपको ज्यादा बेटर आइडिया लग पाए। सो दिस इज राइट नाउ द लाइट फ्रॉम CL10 जो आप मेरे फेस के ऊपर देख रहे हो, एंड सबसे बढ़िया चीज क्या है, इतने सारे प्रीसेट मुझे यहाँ पे रिमोट कंट्रोल में मिलते हैं कि मैं कोई भी बटन प्रेस करके आई कैन सेलेक्ट एनी कलर। लेट मी शो यू, यहाँ पे आप देखोगे, लेट मी गो विद रेड, एंड ये है ग्रीन, दिस इज ब्लू, और बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स देखेंगे। एज आई एम स्विचिंग आप देख सकते हो, दिस इज सयान, दिस इज टूवर्ड्स ग्रीन, और ये पिंकिश मैजेंटा कलर है। और यहाँ मुझे ये भी ऑप्शन मिलता है कि मैं इस पर्टिकुलर कलर का अगर इंटेंसिटी या ह्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, आई कैन डू दैट। यहाँ पे एक लेफ्ट एंड राइट का एरो है, अगर मैं लेफ्ट प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पे आप देखना मेरा जो ह्यू है वो चेंज होता रहेगा लाइट का। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट यहाँ पे बटन प्रेस करूँगा, सो बेसिकली मेरा जो सैचुरेशन है वो अभी मैं 0 पे ला चुका हूँ, ताकि मेरा सिर्फ वाइट लाइट अभी जलेगा, और जैसे ही मैं प्लस पे जाता जाऊँगा, मेरा जो कलर है उसका सैचुरेशन आप देखोगे बढ़ता जाएगा, और नाउ दिस इज 100%। सो ये बहुत कूल चीज़ लगी मुझे इस लाइट के बारे में, और उससे भी ज़्यादा कूल पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं, मैं एक बार आपको जल्दी से दिखाता हूँ। सो अभी आप देख रहे हो एक कलर साइकिल हो रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट मोड, देन अगर मैं फ्लैश मोड पे जाता हूँ, तो दिस इज लाइक अगर आप कुछ अपनी वीडियोस में ही ऐसा कुछ प्रोडक्शन लेवल एनहांस करना चाह रहे हो, जहाँ पे आप लेट सपोज कुछ इस तरह से दिखाना चाह रहे हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ अ बॉन फायर, और आप देखोगे ये जो लाइट है ये फ्लिकर हो रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एम्बुलेंस वाला इफेक्ट ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो ये लाइट फ्लिकर हो रही है, देन यहाँ पे एक और फायर ब्रिगेड का मेरे पास प्रीसेट है, एंड ये वाला जो है ये मेरा फेवरेट है, दिस इज म्यूजिक, आप देख रहे हो जब मैं बोलूँगा सिर्फ तभी ये लाइट चलेगी। सो अगर आप कुछ YouTube स्ट्रीम कर रहे हो, आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चाहते हो, यू कैन डू विद CL10 बाय गोडॉक्स। सो दिस इज LED P260, और ये जो LED है, दिस आई अज्यूम अगर आप बहुत रेगुलरली YouTube वीडियोस बनाते हो जहाँ पे आप फेस कैम ज़्यादा शूट कर रहे हो, आई थिंक दिस लाइट कुड बी अ ग्रेट एडिशन टू योर प्रोडक्शन, या फिर जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एज अ किकर लाइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो लाइट फॉर्म हो रहा है, दिस इज़ यूजिंग दिस LED लाइट। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्लस एंड माइनस का, सो जितना मैं माइनस प्रेस करता जाऊँगा वायरलेसली मैं लाइट का इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहा हूँ। सिमिलरली अभी ये 64 पे है, सो जितना मैं माइनस करूँगा दिस इज अराउंड 50, सो मैं लाइट को ऑलमोस्ट हाफ कर चुका हूँ, एंड अगर हम वापस जाएं 100 पे, सो दिस इज नाउ द फुल इंटेंसिटी। उसके बाद इस LED में एक और बढ़िया फंक्शन है कि मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ। सो राइट नाउ 5600 केल्विन पे ये LED लाइट है, और इस पैनल का अगर मैं टेम्परेचर चेंज करना चाहता हूँ, दिस गोज टू अ मिनिमम ऑफ 3300। सो अगर आप देख रहे हो लाइट वार्म हो चुकी है, और वापस अगर मैं 5600 पे इसको लेके जाऊं, नाउ दिस इज 5600। सो आप इंटेंसिटी कलर चेंज कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप रिमोट से वायरलेसली बिना लाइट के पास जाए आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस LED पैनल इज कि जो LED का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड दैट मेक्स योर लाइट वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ आपकी स्किन के ऊपर। मैं आपको एक सैम्पल भी दिखाऊंगा जहां पे मैं इस लाइट को एज अ प्राइमरी लाइट यूज कर रहा हूँ। सो यह है सैम्पल LED P260C से, और अभी टेम्परेचर है 5600 केल्विन। सो दिस इज हाउ आप अगर वीडियोज प्रोड्यूस करते हो, एक एंगल से लाइट ले रहे हो, कुछ ऐसा इफेक्ट आप अचीव कर सकते हो। और मेरी सेटिंग सेम है जो मैं पहले यूज करा था अपनी
प्रॉपर वीडियो लाइट एंड दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ। अदरवाइज अगर आप रिमोट यूज नहीं करना चाहते, एलईडी पैनल के बैक साइड में आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। देयर इज अ नॉब जहां पे आप इंटेंसिटी और कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, एंड देयर इज अ बटन जहां से आप चैनल भी चेंज कर सकते हो, एंड अनदर बटन जहां आप लाइट को ऑन एंड ऑफ का ट्रिगर दे सकते हो। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप इस एलईडी पैनल को वायरलेसली यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको चाहिए होगा एक्सटर्नल बैटरीज, जो साथ में मुझे नहीं मिला इस बॉक्स में, बट अभी ये वायर्ड यूज हो रहा है। अगर आपको वायरलेस यूज करना है, आपको बैटरीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं दो ऐसी लाइट्स के बारे में लाइक विच आर माई फेवरेट वेन इट कम्स टू वीडियो प्रोडक्शन, बिकॉज ये बहुत कॉम्पैक्ट है। जैसे आप देख रहे हो 30R2 लाइट्स जो आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियो प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दिस वन, ये है M1 बाय गोडॉक्स। अब सबसे पहले इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, इट फील्स वेरी स्टर्डी, एंड एट द सेम टाइम सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगती है, ये आप देख रहे हो यहाँ साइड से मैं इसको एक पर्टिकुलर एंगल दे सकता हूँ, और जब मैं टेबल पे रख रहा हूँ इस तरह से आई कैन गिव इट एनी एंगल एंड मेरी जो लाइट है वो वहाँ पे स्टडी हो जाएगी। और अगर मैं कोई बी रोल शूट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ, आई कैन ईजिली डू दैट। टॉकिंग अबाउट द पावर एंड द मोड्स, यहाँ पे इसका ऑन एंड ऑफ का स्विच है। सो राइट नाउ अभी ये एलईडी पैनल ऑन है। सबसे पहली चीज़, राइट हैंड साइड में आपको दो स्क्रोल नॉब्स दिखेंगे। सबसे पहला जो है वो अलाउ करता है आपको इंटेंसिटी एडजस्ट करने के लिए। अब इस फंक्शन बटन से बेसिकली आप डिफरेंट चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। राइट नाउ मैं CCD मोड में हूँ, सो CCD मोड का अगर मैं टेम्परेचर चेंज करना चाह रहा हूँ, अभी मैं 5600 पे था, नाउ इफ़ आई टेक इट ऑल द वे अप टू 8500 आप देख रहे हो लाइट काफ़ी कूल हो चुकी है। सिमिलरली मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता जाऊँगा विच गोज अप टू मिनिमम ऑफ 2500 केल्विन इज द मिनिमम टेम्परेचर, आप देख सकते हो कितनी लाइट वार्म हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं सेंटर बटन प्रेस करूँ, यहाँ पे मैं मोड चेंज कर सकता हूँ। अभी हूँ मैं HSI मोड पे, जहाँ आप बेसिकली कोई भी एक ह्यू सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो कितने डिफरेंट कलर्स यहाँ पे साइकिल हो रहे हैं। बेसिकली आप कोई भी पॉसिबल कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ, सो मैं सैचुरेशन पे चले जाता हूँ, जहाँ बेसिकली आप इस कलर का सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये सैचुरेशन 100 पे है, और इसको मैं प्रेस करके 0 पे लेके आ सकता हूँ, जहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है वो एकदम वाइट लाइट पे चले जाता है विदाउट एनी कलर। एंड सिमिलरली इंटेंसिटी तो हम यहाँ से एडजस्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर मैं दोबारा मोड पे जाऊँ, आपको वही फिल्टर्स मिलते हैं जो मैं इस पर्टिकुलर लाइट में आपको दिखा रहा था CL10 में। सिमिलरली आपको M1 में भी मिलता है। अगर आप देखोगे अभी कलर साइकिल हो रहे हैं, एंड इफ आई साइकिल बिटवीन डिफरेंट मोड्स, आपको ये फ्लैश वाला मोड है, पार्टी मोड है, देन लाइटनिंग मोड, TV, सिमिलर मोड जो हमें CL10 में मिलते हैं आपको M1 में भी मिलते हैं बाय गोडॉक्स। अब लास्ट में हम बात करते हैं LED M150 का। अब ये जो लाइट है, अगेन अगर आप एक स्मार्टफोन फोटोग्राफर या व्लॉगर हो, ये लाइट आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाली है। बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है, साथ में आपको ये क्लैंप मिलता है मोबाइल वाला। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने वाला हूँ, इस तरह से मैंने अपना मोबाइल माउंट कर लिया। अब साइड में मुझे यहाँ पे ऑन का स्विच मिलता है, तो इस तरह से मैं अपनी LED लाइट को ऑन करके इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकता हूँ। दिस इज द मैक्सिमम राइट नाउ। और अगर मैं फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इस तरह से मुझे फ्रंट फेस पे लाइट मिल जाएगी। और अगर मुझे लगता है लाइट कभी बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है, सो बेसिकली मैं यहाँ से जाके इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे कलर का कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। सो ये कुछ लाइट्स थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप नया चैनल शुरू कर रहे हो, या आप यूट्यूब पे ऑलरेडी एक चैनल रन कर रहे हो और आप बजट लाइट्स देख रहे हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना इन चार में से आपकी फेवरेट लाइट कौन सी रही और उसका क्या रीजन है। आई वुड लव टू नो योर व्यूज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।